बीजेपी के शत्रुघ्न सिन्हा पर सुशील मोदी ने जमकर निशाना साधा। आज चुनाव प्रचार में रवाना होने से पूर्व एयरपोर्ट पर सुशील मोदी ने शत्रुघ्न सिन्हा को निशाने पर लिया। पटना साहिब से उम्मीदवारी और स्टार प्रचारक पर शत्रुघ्न सिन्हा पर निशाना साधा। सुशील मोदी ने कहा कि पटना साहिब बीजेपी का गढ़ है और अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी यहां से चुनाव लड़े तो उनकी भी जमानत जब्त हो जाएगी। शत्रुघ्न सिन्हा क्या चीज़ है? उनको हमने सलाह दी थी कि इस उम्र में फजीहत नहीं कराएं और चुपचाप बैठ जाएं, क्योंकि उनको उनके पार्टी के लिए कोई पोलिंग एजेंट तक नहीं मिलेगा। ये कहना है शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में उप मुख्यमंत्री बिहार के सुशील कुमार मोदी। मैंने तो 5 दिन पहले ही कहा था कि उम्र के इस पड़ाव पर अपनी फजीहत मत कराइए। हो गया, पटना जो लोकसभा क्षेत्र है पाटलिपुत्रा, ये पटना साहिब ये बीजेपी का गढ़ है। शत्रुघ्न सिन्हा तो छोड़िए, अगर जो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भी आ जाएं तो भी जो बीजेपी को कोई वहां पर हरा नहीं सकता है। 5 हमारे MLA वहां पर है और एक एक विधानसभा में हम 30,000-40,000 की लीड हम देंगे। तो पटना साहिब सीट से तो हम प्रचंड बहुमत से हम देंगे। इसे मित्रवत मैंने सलाह दी थी कि उम्र के इस पड़ाव पर और फजीहत मत कराइए। आपको खोजने पर पोलिंग एजेंट भी नहीं मिलेगा। अभी तक तो कांग्रेस में शामिल भी नहीं हो पाए हैं, उन्होंने 5 डेट तब तक दे दिया है। तो खैर देखिए, कोई शत्रुघ्न सिन्हा वगैरह ये नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, न उनसे कोई लड़ाई है, न उनकी कोई राजनीतिक कोई हैसियत है। हमारी तो लड़ाई कांग्रेस के साथ है, राजद के साथ है, और वो राजद कांग्रेस जिनके नेता जेल के अंदर बंद है भ्रष्टाचार के आरोप में। नरेंद्र मोदी पर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। ये वो पार्टियां हैं जो चाहती कि कमजोर सरकार बने जिसको ब्लैकमेल किया जा सके।